ग्वालियर में राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर गुरुवार को घोषित की गई वकीलों की हड़ताल शुक्रवार को अचानक समाप्त कर दी गई। पता चला है कि अधिवक्ताओं को आए दिन होने वाली परेशानी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने के चलते इस हड़ताल का आह्वान राज्य अधिवक्ता परिषद ने किया था, लेकिन शुक्रवार को वकील कार्य से विरत रहकर हड़ताल में शामिल होने पहुंचे तो वे यह देखकर अचंभित हो गए कि राज्य अधिवक्ता परिषद ने अचानक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन विवेक सिंह के हस्ताक्षर युक्त पत्र को जारी कर दिया है, जिसमें इस हड़ताल को वापस लेने की बात कही गई है और चीफ जस्टिस जबलपुर द्वारा अधिवक्ताओं की समस्याओं पर जल्द ही बैठक करने का निर्णय लेने की बात कही गई है। इधर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन गुरुवार को ही वकीलों की हड़ताल का समर्थन करते हुए वकीलों की एकजुटता की बात दोहराई थी। शुक्रवार को कई अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे ही नहीं, जो पहुंचे थे वो हड़ताल के मूड में थे और अपने पक्षकारों को भी कोर्ट आने से मना कर चुके थे। ऐसे में वकीलों के समक्ष असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद बार एसोसिएशन और स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों ने जजों से अपील की कि उनकी अनुपस्थिति या पक्षकारों के नहीं आने पर वो कोई विपरीत आदेश पारित न करें। इस पर बेंच ने अपनी सहमति जताई है। स्ट्राइक की कोई स्थिति नहीं है, कार से व्रत रहने का निर्णय स्टेट बार के कॉल पर था और अभी ये मालूम पड़ा है कि स्टेट बार ने अपना कॉल वापस ले लिया है। उन्हीं के कॉल पर कार से व्रत रहने का निर्णय था, तो ऐसी स्थिति में एक विषम स्थिति पैदा हो रही है अधिवक्ताओं के साथ में और पक्षकारों के साथ में, क्योंकि अचानक उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है और किस कारण से लिया गया है इसका भी कोई मतलब जगह हवाला नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में पक्षकार कई जगह मना कर दी गई है, वो नहीं आ पा रहे हैं और अधिकांश हमारे अधिवक्ता साथी भी नहीं आए हैं। तो माननीय न्यायालय से हमारे द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि किसी भी अगर अनुपस्थित कोई रहता है तो कोई कार्रवाई न की जाए और उसको उन्होंने स्वीकार किया है। अचानक एकदम उन्होंने अचानक निर्णय लिया है, उन्होंने हड़ताल कार से व्रत रहने का निर्णय जो उनका था वो अचानक उन्होंने वापस लिया है, इस वजह से जो स्थिति जो है वो बनी।